मूछें बढ़ाने से कोई मर्द नहीं होता, और ना ही वर्दी पहनने से। मर्दानगी होती है खून में। तुमने मेरे पापा को मारा था। ब्रदर, जब भी किसी बुजुर्ग पर हाथ उठाना या फिर उसे परेशान करना, तो ये बात याद रखना, अपने ये हाथ उठाने से पहले अच्छे से सोच लेना, और याद रखना कि अगली बार उठाने के लिए शायद ये हाथ ही न बचे। फिर कभी मेरे रास्ते में आया तो तू बचेगा नहीं, समझ गया? मर्द बनता है। सोए नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही। मन आज बहुत अशांत हो रहा है जमाल। लगता है कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। कैसी मुसीबत आएगी? आपने हम बाल बच्चों को पाल पोस के इतना बड़ा किया है, सबको उनके पैरों पे खड़ा किया है। आप अकेले नहीं है यहाँ, ये पूरा चंद्रगिरी आपके साथ खड़ा है, और अज्जू भी तो है। इसी बात का तो डर है मुझे कि मेरे साथ मेरे बेटे को भी मारना चाहते हैं। वो एक चक्रव्यूह की रचना कर रहे हैं। वो उस दिन फादर ने भी किसी ऐसे ही संकट की बात की थी, लेकिन चक्रव्यूह को भेदने के लिए जब अभिमन्यु अंदर जाता है तो बाहर नहीं निकल पाता उसमें से। बेटी, शंकर जी को जाकर बोलो कि वो मंदिर में पूजा अर्चना की तैयारी करवाएं अज्जू के नाम की। फिर मृत्युंजय होम करवाना होगा, अनुष्ठान की तैयारी करने को बोलो उनसे। पता नहीं आज अचानक क्यों अज्जू की माँ याद आ गई मुझे। निर्मला आज होती तो वही सारी तैयारी करती। इसी को नियति कहते हैं। नमस्ते। नमस्ते। दरअसल 11 दिनों तक चर्च में एक फंक्शन था, इसलिए मुसीबत के वक्त मैं आ नहीं पाया। कहाँ है वो अज्जू? नमस्ते फादर। यू हैव डन वेल। तुमने साबित कर दिया कि तुम नायक के बेटे हो। आज के नौजवानों के सामने अगर एक गाल किया जाए तो वो दूसरे गाल पर थप्पड़ मारते हैं। समय आ गया है कि किसी भी तरह की ना इंसाफी ना होने दी जाए। आज के नौजवानों को बेधड़क सवाल पूछने चाहिए। तुम्हें ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है। अन्नपूर्णा वाले अगर अपने चाकुओं को धार दे रहे हैं तो हमें भी पूरी तैयारी रखनी होगी, बेहतर हथियारों के साथ। मगर एक बात तुम अपने दिमाग से बिल्कुल मत निकालना कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत है अहिंसा। यही धर्म है। मुझे पता नहीं मैं कब तक जीवित रहने वाला हूँ, पर जब तक रहूंगा इस परिवार के लिए अच्छा ही सोचता रहूंगा। और एक बात याद रखना, लोग जीतने वाले का साथ देते हैं, इसलिए तुम्हें हमेशा जीतना होगा। तुम्हारे पापा के लिए और इस चंद्रगिरी के लिए मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ। चंद्रगिरी के बारे में बात करने को इसके पास बहुत कुछ है। जब हमने इतना सब कुछ सुना तो आपसे मिलने के लिए चले आए। पापा इतने बिजी होते हैं कि उनका वक्त कैसे गुजर जाता है पता नहीं चलता। ये लड़की ना सिर्फ मेरी बड़ाई करती है। ये लड़की माँ, ये लज्जो है, मैंने कहा था ना। ओ, नहीं, दरअसल क्या है कि
नंदा अब 21 की हो जाएगी। इसके कहने का मतलब यह है भाई साहब कि इनके भविष्य के बारे में अब हमें बात कर लेनी चाहिए। अभी इतनी दूर हम आ गए हैं तो बाकी बातें भी कर लेते हैं। मेरी नंदा अजय को बहुत पसंद करती है। और अज्जू भी नंदा को पसंद करता है। बेटा, कहिए। अपने आंसुओं को पानी से धोकर छुपा सकती हो, मन का दर्द मुझसे कैसे छुपाओगी? नहीं, मुझे ऐसा कोई दुख नहीं है शंकर मामा। दुख की कोई वजह भी तो नहीं है। मैं तो हमेशा अज्जू की खुशी ही चाहती रही हूँ। और देखा जाए तो वो लड़की अज्जू के लिए बिल्कुल सही है। पढ़ी लिखी है, पैसे वाली है। मेरे पास है ही क्या बेटा? वो पापा जी, हम रसोई की बात कर रहे थे। वो खाने के लिए रुकेंगे ना, मैं खाना बनाती हूँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, आओ। दास काका? दास काका? हाँ, अच्छा है कि तू अभी तक भूली नहीं है। मुझे तो लगा था कि तू पुरानी सारी बातें भूल गई है और यहाँ आके रम बस गई। दास काका, आप यहाँ आए क्यों हैं? मैं यहाँ माधव से मिलने आया हूँ, बहुत जरूरी बात करनी है। अरे माधव भाई, मैं धन्य हो गया देख के। अरे क्या बात है, सारा परिवार यही है। कोई खास बात है क्या? लज्जू का दूर का रिश्तेदार है, नाम है दास। अच्छा माधव भाई, मैं रात भर ठीक से सो नहीं पाया, खाना भी गले के नीचे नहीं उतरा। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आज की रात ही मेरी आखिरी रात है। सोचा मरने से पहले आखिरी बार आपसे मिल ही लूं। शर्म नहीं आती इस लड़की को धोखा देते हुए? दास काका, तू चुप रह, मुझे इनसे बात करने दे। चंद्रगिरी के माधव साहब से ही कराया और सबके साथ बदतमीजी कर रहा है। चल यहाँ से, चल। नहीं जमाल, छोड़ो। सब लोग ध्यान से सुनो, एक साल के भीतर नीलांबर स्टेट से माधव भाई का कोई न कोई जरूर मरेगा। माधव भाई के खास दुश्मन रामदत्त शर्मा के बेटे उदीपी के सदानंद भाइयों से मिल गए हैं। भूल गए जब उनके बंदूक से निकली गोली तुम्हारे सीने में लगने वाली थी, तो इस लक्ष्मी के बाप ने ही सामने आकर वो गोली अपने सीने पे खाई थी और तुम्हारी जान बचाई थी। और अपना सर तुम्हारी गोद में रख के मरते वक्त उसने लक्ष्मी के अच्छे भविष्य का वादा लिया था। आज तुम जो कुछ भी हो इसके बाप की वजह से हो। तुमने वादा किया था कि तुम अपने बेटे की शादी लक्ष्मी से करवाओगे, और सिर्फ उसी से वादा नहीं किया था, तुमने गंगाधर की पत्नी से भी वादा किया था। क्या तुम भूल गए? इसकी शादी तुम्हारे बेटे से पहले ही तय हो चुकी है। अपने वादे से मत फिरो तुम। गंगाधर से जब वादा किया था उस समय सारे नातेदार रिश्तेदार और मैं खुद भी वहाँ मौजूद था। कहो तो सबसे पूछवा दूं। बताओ ये सब सच है या नहीं? सच तो है, लेकिन अज्जू को ये लड़की पसंद है और मैं भी इस शादी से खुश हूँ। बहुत बढ़िया, एक गरीब लड़की ने एक अमीर लड़के के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे दी और सबके सब खड़े देखते रह गए, क्योंकि इसमें तुम सबका स्वार्थ छुपा हुआ है। तुम जैसे बड़े लोगों पे थू है। हाँ, तुम ऐसा मत करना जो वादा गंगाधर और उसके परिवार वालों से तुम्हारे झूठे बाप ने किया था। तुम मत करना। तुम क्या यहाँ नौकरानी बन के पूरी जिंदगी बिताओगी? तुम्हारा ये काका तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगा। चलो मेरे साथ। नहीं, मैं नहीं आऊँगी। मैं इन लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। ठीक है, मत आओ, यहीं पड़ी रहे नौकरानी बनके। और जब इस घर के मर्दों का अपनी बीवी के साथ मन भर जाएगा तो खुद ही वो खींचे चले आएंगे तुम्हारे पास। क्यों, यही प्लानिंग है ना तुम्हारी? निकल यहाँ से, मुझे मारा। निकल यहाँ से, मैंने कहा कि चल निकल 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 बाहर।
ये सब मेरी ही गलती है। आज मुझे पता चला कि तुम किसी और लड़की को चाहते हो, लेकिन ये जानकर मुझे बहुत शर्म आ रही है कि पहले ये सच बताने की तुमने हिम्मत नहीं की। नंदा बेटी, इन सब बातों से अगर तुम्हें किसी प्रकार का दुख पहुंचा हो तो तुम मुझे माफ कर देना। अज्जू, हम दोनों की पहचान ज्यादा दिनों की नहीं है, लेकिन उस बेचारी ने बचपन से तुम्हारे ही सपने देखे हैं। मेरा क्या है, किसी के अरमानों का खून करके मैं अपना घर नहीं बसा सकती। मैं जा रही हूँ। को तो मैंने भगा दिया, उसे भेजने वाले कौन है? वो अन्नपूर्णा ग्रुप वाले, ये सब उन्हीं लोगों की चाल थी। अगर आप कहें तो अभी के अभी उन लोगों को जाकर दबोच लेता हूं मैं। रहने दो, ये तुम मुझ पर छोड़ दो। माधव भैया, इनको देख के मुझे याद आया, ये सब लोग माधव की मौत की तैयारी कर रहे हैं। लगता है वो यहाँ पर अकेला ही आया। क्या हुआ बच्चों, शको पर 12 क्यों बज गए मुझे देखकर? बस बहुत हुआ, अपनी बहुत बहादुरी दिखा ली। पर मैं यहाँ इसलिए नहीं आया हूँ, तुम्हारी हर गलतियों के लिए आज तक मैं तुम्हें माफ करता आया हूँ, लेकिन आज इस दास को मेरे दरवाजे पर तुम लोगों ने भेजकर बहुत बड़ी गलती की है ये बताने आया हूँ। हाँ भार्गव, मैंने तुम्हारे पिताजी को इसलिए सजा नहीं दी कि वो कोई मुजरिम या कातिल है। रामदत्त को मैंने कभी दुश्मन नहीं माना, बल्कि वो मुझे जिंदगी भर दुश्मन मानते रहे। उन्होंने मंगलपुर से आदमियों को इसलिए बुलाया ताकि वो मेरा कत्ल करवा सके। कई बार हारने के बावजूद उनकी समझ में नहीं आया, उसके बाद भी कई बार मुझे मारने की कोशिश की। बाद में चंद्रगिरी के गाँव वालों ने रामदत्त को उसके परिवार के साथ जलाने का फैसला लिया। स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, उसे सजा नहीं मिली। तुम्हें यही बताने आया हूँ कि तुम्हारे परिवार को मैंने बचाया। आज समय आ गया है कि उस दुश्मनी को खत्म करें। वक्त के साथ चीजों को समझने की कोशिश करो। रामदत्त के अंदर जो गुस्सा भरा था, उसके बच्चे उसे क्यों ढोते फिरे? जो दुश्मनी बरसों से हमारे बीच चली आ रही है, उसे खत्म करना होगा अभी। यही मेरा लक्ष्य है, इसीलिए यहाँ आया। छोड़ो, तुम्हें डर है कि तुम हार जाओगे, इसीलिए उल्टी सीधी कहानी सुना रहे हो। माधव, तुम कुछ भी कह लो, हमारी सोच में फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, इस दुश्मनी से कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय नुकसान के। मैं यहाँ किसी तरह का खून खराबा करने नहीं आया हूँ। तुम भी वैसा मत करो, हम एक हो जाते हैं। आप सब मिलकर जो फैसला लेंगे मुझे मंजूर होगा। क्या बात है, आज नौबत ये आ गई है कि बेटे को बचाने के लिए बाप हमारे पास आया है। कॉम्प्रोमाइज, तुम बुद्धिमान तो हो, लेकिन हम इस तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, और वह इसलिए कि हम माफ नहीं कर सकते तुम्हें। हमारा यहाँ आने का मकसद है हर हालत में तुमसे अपने बाप की मौत का बदला लेना, और वो लेकर रहेंगे। आज तक हम इतने सब्र से क्यों जीते रहे जानते हो? सिर्फ एक ही वजह है उसकी, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बेटे की जान लेना और चंद्रगिरी में तुम्हारे साम्राज्य को खत्म कर देना। आज मैं अच्छी तरह समझ चुका हूँ कि अगर बुरा होना है तो किसी हाल में होकर रहेगा। समझौता नहीं करना कोई बात नहीं, हम लड़कर मरेंगे। अपने आदमियों को जगह वक्त बताकर भेजना, माधव तैयार है। पर एक बात कान खोल कर सुन लो, ये लड़ाई जो होने वाली है बर्बादी की हद तक होगी, सब खत्म हो जाएगा। माधव, तुम खुद को मौत का सौदागर मत समझो,
वक्त ही बताएगा कौन जीतेगा। क्षत्रिय के लिए युद्ध धर्म है, उससे वो नहीं डरता। मारेगा या मरेगा। ग्रह तुम्हारे अनुकूल नहीं दिख रहे माधव। जो काम करने की सोच रहे हो पाना बहुत मुश्किल दिख रहा है। समय बहुत भारी जान पड़ता है। हाँ, यदि चंद्रगिरी में गणपति होम करवाया जाए तो शायद अच्छा हो। मैं यहाँ अपने लिए नहीं आया हूँ, अपनी बेटी अज्जू के लिए आया हूँ। मेरी सारी चिंताएं उससे जुड़ी हुई है। उसकी चिंता मत करो, उसकी दशा काफी अच्छी चल रही है। उसकी राशि में चौथे स्थान पर सूर्य है, जो काफी तेज है। राजयोग है उसका, यहाँ की कमान संभालेगा, साक्षात सूर्य नारायण की तरह। उसकी ओर से निश्चिंत रहो और बोलो। चलता हूँ।